नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकास फिटनेस गाइड में। जैसे कि हम लोग बात करते रहते हैं फिटनेस के बारे में दोस्तों, तो आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। पर टॉपिक से पहले सबसे पहले आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है, हम बात करेंगे ECG कंपोनेंट के बारे में। दोस्तों, ग्रीन टी के बारे में बात करेंगे। जो ग्रीन टी में जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है ECG, या उसको हम कह सकते हैं EGCG भी हम उसको कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस कंपोनेंट्स में ये जो कंपोनेंट है, ये स्ट्रॉन्ग एक एंटी ऑक्सीडेंट कंपोनेंट है जो ग्रीन टी में पाया जाता है। दोस्तों, यही फैट लॉस और आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आप जो ग्रीन टी की जो आप कस पीते हैं दोस्तों, में इसमें ECG बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर होता है। आपने देखा होगा कि लोग बहुत से लोग जिम कर रहे हैं, वो ग्रीन टी का यूज़ कर रहे हैं वेट लॉस या फैट लॉस के लिए। मैन या वुमेन्स हैं, जो घर पर बैठी महिलाएं हैं, वो भी इसको यूज़ करती है, ग्रीन टी को। दोस्तों, ग्रीन टी का जो मेन केमिकल है वो होता है ECG या EGCG, जो भी है ये मेन केमिकल है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, ये जो केमिकल है ये हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट केमिकल है, और ये हेल्प करता है फैट लॉस में और वेट लॉस के अंदर। पर दोस्तों, ये ग्रीन टी के अंदर दोस्तों ये केमिकल बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ तो 1.2 mg या 1.5 mg जैसा पाया जाता है। आप दिन के 10 कप पीते हैं, जब जाके आपको मिलता है 10 से 12 mg तक ECG। दोस्तों, ECG ही अगर इससे अच्छा ये है कि आप डायट ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के सप्लीमेंट आप यूज़ करते हैं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा ग्रीन टी के बजाय। दोस्तों, तो बेटर ये है कि आप ग्रीन टी के सप्लीमेंट यूज़ कीजिए। तो ग्रीन टी कैप्सूल्स आते हैं, आप वो उसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप वेट लॉस करने जा रहे हैं तो। दोस्तों, केमिकल्स का नाम मैं बताया था। दोस्तों, ECG में जो मेन केमिकल्स का नाम होता है, कैटचिन नाम से एक हार्मोन है दोस्तों, और उसका होता है एपी कैटचिन, और एक होता है एपी कैटचिन गैलेट, और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों। एक केमिकल और है जिसे हम कहते हैं एपी गैलो कैटचिन गैलेट, और दोस्तों दूसरा है इसमें जो है, इसमें जो हार्मोन जो मेनली है, जो उसको कहते हैं पॉलीफेनोल्स। दोस्तों, जो पॉलीफेनोल जो हार्मोन है, यही ग्रीन टी के अंदर होता है मेनली, जिसमें दिस इंक्लूड्स फ्लेवोनोइड्स फ्लेवोनाइड्स, और ये जो पॉनी क्या कहते हैं फेनोलिक एसिड जो है इसमें पाया जाता है। इसी कंपाउंड के थ्रू दोस्तों ECG बनता है इसके अंदर मेनली। तो दोस्तों, इस तरीके से ग्रीन टी जो है आपके फैट लॉस और वेट लॉस में काम करती है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।